हरिओम 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 ओम अजिताय नमः ओम अपराजिताय नमः जय मां बगलामुखी देवी माता की। सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत करता हूं और आपसे बस यही निवेदन करता हूं कि जब भी आपकी कॉल लगती है तो टीवी के दूर रह के टीवी का वॉल्यूम बंद करके आप बात किया करें, नहीं तो आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। बहुत मुश्किल से आपकी कॉल मिलती है क्योंकि हज़ारों लाखों व्यक्ति इस कार्यक्रम में फ़ोन करते हैं। और दर्शकों हमारा ये लाइव प्रोग्राम रहता है नित्य दिन, आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरल उपायों के माध्यम से और देवी की कृपा से अपने समाधान को प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं बस इसी नंबर पर आपको भी कॉल करना है और आपकी कॉल इस कार्यक्रम से अवश्य जुड़ेगी। आज अभी चंद्रमा कुछ समय के बाद धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और धनु राशि में आज का दिन आज के व्यक्तियों के लिए, आज हमारे प्रिय दर्शकों के लिए कैसा रहेगा, तो सभी धनु राशि वाले लोग इस कार्यक्रम को बड़े ध्यानपूर्वक देखें और उन्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए वो इस कार्यक्रम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप हमें अपने लिए गुप्त मंत्र और बीज मंत्र और गुप्त उपाय प्राप्त करने के लिए भी तुरंत हमें कॉल कर सकते हैं। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। माँ देवी की अपार कृपा से हम सबसे पहले एक प्रिय जन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम बिमला देवी, हमारे पास बहुत कष्ट है। बेटा नाम बताओ अपना, नाम बोलिए। हाँ। बेटा नाम बोलिए अपना। बिमला देवी। कहाँ से बोल रहे हो बेटा? बिहार शरीफ से। अपनी बेटा उम्र बताए? नालंदा जिला से। अपनी उम्र बताइए बेटा। हमारे 40 साल उम्र हो रहा होगा बाबा। अपनी माँ का नाम बताओ। पवित्री देवी। एक से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 9 नंबर। 3 बार ओम नमः शिवाय का बेटा उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा बिमला बेटा फोन पर बने रहिए। ठीक बाबा। बेटा जीवन में बिल्कुल भी सुख नहीं है, ना तो बेटा आपका कोई कार्य बनता है, ना घर में पैसे की बरकत होती है बेटा किसी क्षेत्र में। बाबा हम तो अपना धर्म से देवता पितर कार्य करते हैं बाबा, लेकिन आप पर बेटा देवताओं की कृपा नहीं हो रही है बेटा। घर में अशांति है, घर में तनाव है और घर में कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी, पैसा बीमारी पर नुकसान में जाएगा। बीमार रहते हैं पति तो हमेशा कुछ ना कुछ उनको होती ही रहता है। क्या घर में कोई किसी को चोट भी लगती है बेटा? हाँ बाबा। बेटा बेटी दोनों है आपके पास? हाँ बाबा, बेटी तो मेरा अभी जानते हैं बाबा, उसका जरा देखिए बेटी का है, बेटी का ना। नाम है, वो अभी जेल में है बाबा, अंतर जाती है, शादी कर लिया, पुलिस पकड़ा तो वो 18 साल नहीं सर्टिफिकेट पर था बाबा, तो वो जेल में है, हम लोग की तरफ नहीं बोलता है बाबा, ये वो बेटी था बाबा, बड़े दुलार से पूछ। जी जी जी। लड़के के भाषा बोलता बाबा, ऐसा कोई उपाय बताइए कि उसकी बेटी नरक से निकल जाए बाबा। कोई बात नहीं बेटा, बेटी आपकी अवश्य आ जाएगी बाहर, आप चिंता ना करें बेटा। अच्छा ये बताओ बेटे से भी परेशान रहते हो, बेटा घर से भागता है? बेटी का उम्र। बेटा बेटा भी परेशान करता है बेटा? बेटा हाँ, बेटा भी नई बात मानता है बाबा, बेटा भी बहुत जिद्दी है, जो चीज चाहता है वो करके रहता है और जो अच्छा काम नहीं कर पाता है बाबा, 24 साल के हो गया कोई स्थायी उसको काम नहीं मिल रहा है।
वो क्या करें बाबा, बेटा एक परेशान रहते हैं, सब एक काम रहते हैं, करना, बहुत दुखी रहते हैं। एक काम करना बिमला बेटा, एक तो बेटा आपके घर में बहुत प्रबल बेटा पितृ दोष है बेटा, उसके कारण बच्चे भी दुखी हैं, घर में बीमारी बहुत ज़्यादा रहती है, बेटी भी बेटा जेल में चली गई है, बेटा भी घर में टिकता नहीं है, पति बीमार रहते हैं, बहुत समस्याएं हैं बेटा आपके जीवन में। आपको तो बेटा कोई पूजा पाठ का, देवी देवताओं की कृपा का फल भी बेटा आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। अब आपको बेटा करना क्या है बेटा, एक आपको 800 ग्राम कच्चा कोयला लेना है और उसको बेटा काले कपड़े में बांध कर उस पर बेटा हल्का सा सरसों के तेल का छींटा लगाकर उसको बेटा शनिवार को शाम को 5 और 6 बजे के बीच में किसी बेटा निर्जन स्थान पर जाके दबाना है, जहाँ कोई आता जाता ना हो वहाँ पर ये बेटा कोयला आपको बेटा दबा के आना है। दूसरा बेटा घर में मीठा नमकीन पराठा रोज बनाया करो, उस पर दूध का छींटा लगा के आप उसके बारीक बारीक टुकड़े किया करो, उसको बेटा कौओं को डाल दिया करो, इससे आपको बेटा लाभ प्राप्त होगा। घर में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए, गणेश जी को मंदिर में जाके बेटा रोजाना सुबह नहा धोकर मंदिर में जाया करो, गणेश जी को थोड़ी बेटा ताज़ी हरी दूर्वा हरी यानी हरी घास गंगा जल कच्चे दूध से धोकर बेटा चढ़ानी है आपको। और बेटा आपको अपने पूरे परिवार की रक्षा के लिए, बच्चों की रक्षा के लिए, बेटी की रक्षा के लिए त्रिकाल यज्ञ करवाना है और गले में 1 मुखी और 1 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। और अभी बेटा आपको इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी दिया जाएगा। बेटा अपना गोत्र क्या लगाते हो? गोत्र हम रमानी हैं बाबा। हाँ, अभी बेटा आप चिंता ना करना, अब आप पर देवी अपराजिता की बड़ी विशेष कृपा होने वाली है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, देखना और मिठाई लेके आना। एक बार बेटा अभी इस कार्यक्रम को देखते रहिए, कार्यक्रम के उपरांत आपको अभी एक बेटा गुप्त उपाय भी दिया जाएगा। एक बार बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। बाबा एक बात नहीं सुन पाए, वो जो कोयला बोले कितना लेने लगा बोले? बेटा 800 ग्राम कच्चा कोयला लेके काले कपड़े में बांध के सरसों का तेल का छींटा लगा के उसको जाके शाम को 5 और 6 बजे के बीच में किसी निर्जन स्थान पर जहाँ कोई आता जाता ना हो वहां पर जाके बेटा दबा देना। अब जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार से इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हेलो बेटा, आपका स्वागत है बेटा इस कार्यक्रम में। गुरुजी प्रणाम। जी बेटा, जल्दी से नाम बताओ अपना। दीपाली। दीपाली जी। दीपाली। दीपाली बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो आप? जी सर, गुरुजी कोटा से है। बेटा बेटा अभी कहाँ से बोल रहे हो? कोटा से। कोटा से। अपने बेटा जन्म का वर्ष बताओ बेटा। जन्म का वर्ष मम्मी का है 1975। अभी माँ के लिए पूछना है बेटा, अपनी माँ का बेटा नाम बताओ। कमलेश। कितने वर्ष की हैं आपकी माता जी? जी बेटा, माता जी कितने वर्ष की हो गई हैं? सर गुरुजी 75 वर्ष की हैं। उनकी बेटा माँ का नाम बताएं माता जी की। कमलेश। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन। सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन, हाथ उठाया शीश तू दे, कृपा तेरी कटे मेरे सारे बंधन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी गुरुजी। बेटा माताजी के ऊपर तो बड़ा संकट चल रहा है बेटा इस समय। हाँ जी। बीमारी का योग है बेटा, ऐसा लगता है जैसे कुछ हाथ पैर इनके काम नहीं करते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। राहु की समस्या है बेटा, कुछ पैरालाइज की समस्या तो नहीं आई इनको बेटा? हाँ
जी बिल्कुल, साल भर होने जा रहा है, मार्च में समस्या आई थी। जी बेटा, राहु का प्रभाव है बेटा, और बहुत जल्दी ठीक भी हो सकती हैं बेटा, लेकिन आने वाले 18 महीने काफी संकट वाले हैं। एक तो बेटा आपने क्या करना है बेटा, इनके लिए सबसे ज्यादा है बेटा राहु के बेटा कम से कम 18,000 संख्या में आप इसका पाठ करवाएं, राहु के बीज मंत्रों का, जिससे आपकी माता जी को लाभ प्राप्त होगा। और बेटा एक काम करना, एक बेटा छोटा सा आपने मिट्टी का मटका लेना है, उसमें तंबाकू भरना है, उसका बेटा काले कपड़े से मुंह बांधना है और माता जी के सिर से 7 बार वार कर उसको बेटा बुधवार को जल में बेटा प्रवाह करना है। और किसी बेटा ब्राह्मण को आने वाले बुधवार को बेटा एक गोमेदक रतन बाजार से खरीदिए, उसको गंगा जल कच्चे दूध से धोके माता जी के माथे से उनके सिर से 7 बार वार के किसी ब्राह्मण को जाके दान कर देना। और रोजाना बेटा थोड़ा कुत्ते को दूध पिलाना है बेटा, उस दूध में से माता जी के हाथ धुलवाने हैं बेटा, बाद में वो दूध बेटा कुत्ते को अवश्य पिलवाना है। और एक इनके गले में बेटा एक मुखी और एक 6 मुखी रुद्राक्ष इनको धारण करवा देना, जिससे इनको बेटा पूर्ण लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। थोड़ा बेटा इसमें पितरों का दोष आ रहा है, उसकी शांति अवश्य करवाएं। आप ये उपाय करिए, अगले बेटा 2 माह के अंदर बेटा आपको आराम दिखना बेटा शुरू हो जाएगा। बेटा इनका गोत्र क्या है बेटा, गोत्र क्या लगाते हैं लोग? ठीक है बेटा, अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहिए, कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय दिया जा रहा है। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हेलो बेटा, 3 बार हरिओम बोलिए जल्दी से। हरिओम हरिओम हरिओम, सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कॉल लेते हैं। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है बेटा, जल्दी से नाम बताओ बेटा। जी गुरुजी, मेरा नाम शहनाज है गुरुजी। शहनाज बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो आप? गुरुजी दिल्ली से ही बात कर रही हूँ। कार्यक्रम कब से देखते हो? गुरुजी बहुत टाइम हो गया, 2 साल से मैं प्रोग्राम देख रही हूँ गुरुजी। जी कुछ लाभ हुआ बेटा कार्यक्रम देख के? जी जी गुरुजी। क्या लाभ हुआ बेटा? गुरुजी देखिए, मैं देख के वैसे मेरी परेशानी बहुत बड़ी है गुरुजी, मैं क्या बताऊँ। 2 साल पहले मैंने कोर्ट मैरिज की थी गुरुजी। मैं मुसलमान हूँ, वो हिंदू हैं, तो उनके घर वाले तो मान रहे हैं गुरुजी, मेरे घर में बहुत परेशानी आ रही है, मैं इनको कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ। तो मुझे ये जानना है कि हम क्या साथ रह पाएंगे, ऐसा कोई उपाय है तो प्लीज बता दीजिए, जिससे कि हम एक साथ हो जाएं। बहुत ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। जिससे बेटा विवाह करना चाहते हो उसका नाम बताओ। गुरुजी उनका नाम है हेमंत सिंह नेगी। जी और अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। जी मेरी मम्मी का नाम है गुरुजी कुसुम। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। जी गुरुजी 37 गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। जी हरि ओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। दुख में रहा मैं मरता जी तिल तिल, घबराया मैं शरण तेरी आया, घबराया मैं शरण तेरी आया, आए तभी से मेरे आए शुभ दिन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सदगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। हरिओम हरिओम गुरु। बेटा एक काम करना, आने वाले शुक्रवार को 800 ग्राम बेटा कच्चा दूध लेना है आपको बेटा, उसको किसी सूखे हुए कुएं में डालना है, कोई कुआं ढूंढो जिसमें पानी ना हो, वो दूध बेटा अपने हाथ से बेटा उस कुएं में गिरा देना। और कोई नेत्रहीन बेटा ब्राह्मण देखो जिसको दिखता ना हो, बुजुर्ग हो कोई, उसको बेटा 5 सफ़ेद वस्त्र, इत्र की शीशी, दूध से बना मिष्ठान और बेटा थोड़ा सफ़ेद चंदन और बेटा कुछ फल और दक्षिणा, ये अपने हाथ से बेटा दान करके उसका आशीर्वाद लेना है। और फ्राइडे यानी शुक्रवार के शुक्रवार बेटा काली गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दीजिए। और एक बेटा आपको रतन आता है ओपल, उसको बेटा चांदी में बनवा के आप धारण करें, जिससे बेटा आपकी विवाह संबंधी समस्या समाप्त हो जाएगी। और जैसे ही बेटा लड़के वाले मान जाएँ, उसके बाद आपने तुरंत क्या करना है, चांदी का चकोर टुकड़ा बनवा के बाजार से खरीद लेना, उसको शुक्रवार को बेटा गंगा जल कच्चे दूध से धो के जल प्रवाह कर देना, आपका बेटा कार्य बेटा सिद्ध हो जाएगा बेटा। उपाय नियम से करना, इसी वर्ष बेटा अतिशीघ्र आपके विवाह के योग सफल हो जाएंगे।
जल्दी से बेटा तीन बार हरिओम बोल दो बेटा। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। और आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम जी। बेटा स्वागत है बेटा, जल्दी से नाम बताओ। सीमा नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हिमाचल हमीरपुर। कितने वर्ष की हो बेटा अभी? मैं 39 की। अच्छा बेटा, और पति आपके कितने वर्ष के हैं? वो 45 के। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। श्रीमती शिवदेई देवी। एक से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 5। तीन बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। दुर्दिन कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। हरिओम। बेटा पति आपके सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हैं बेटा? हाँ जी। आगे नौकरी करना चाहते हैं? सर करनी तो है, पर अभी मिल नहीं रही है, एक साल हो गया अब तो, मतलब 8-9 महीने हो गए रिटायर हुए। बेटा एक काम तो करना, पति पति को बोलना 800 ग्राम बेटा तंबाकू लेना है, तंबाकू। हाँ जी। 800 ग्राम उसको बेटा काले कपड़े में बांध कर बेटा आपके पति को बेटा जल में प्रवाह करना है। काले कपड़े में बांध? जी बेटा। और बेटा थोड़े से हरे आंवले बेटा बुधवार के दिन बेटा मंदिर में दान करने। गुस्सा करते हैं ज्यादा? बहुत ज्यादा करते अपने मन की है बेटा। हाँ जी, वो किसी की बात नहीं मानते। जी बेटा, आप एक काम करना बेटा, 1.5 रत्ती का बेटा शुद्ध पन्ना रतन और 1.5 रत्ती का पीताम्बरी पुखराज रतन बेटा ये आपको धारण करना है। इससे बेटा कई फायदे मिलेंगे, पति को अच्छी नौकरी मिलेगी, पति आपके प्रति अनुकूल रहेंगे, घर में कला कलेश नहीं होगा, घर की अशांति समाप्त हो जाएगी। और एक उपाय बेटा और किया करो आप। गुरु जी, 1.5 रत्ती का पन्ना, 1.5 रत्ती का सुलेमानी पन्ना और 1.5 रत्ती का शुद्ध पीताम्बरी पुखराज, ये दो चीजें आपको धारण करनी है। घर के पूजा के स्थान पे बेटा एक पीले रंग के रुमाल में 16 हल्दी की गांठ गुरुवार को बांध कर बेटा रख देना। और एक बेटा मीठा नमकीन पराठा घर में रोज बनाया करो, उसको तोड़कर कौओं को डाला करो। आपके पति का मंगल और केतु दोनों पीड़ित हैं, इसलिए बेटा नौकरी में बाधा है, बहुत ज्यादा गुस्सा और उग्र प्रवृत्ति के जिद्दी हैं। और मंगल केतु की शांति करवाएं। शांति किस प्रकार से होगी इसकी जानकारी बेटा मेरे आचार्य जी प्रदान करेंगे। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। शुक्ल गर्ग जी। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक गुप्त उपाय दिया जा रहा है, बड़े प्रेम से तीन बार बेटा हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लग पा रही है तो अभी तुरंत आप कॉल करें, हम आपके लिए लाए हैं त्रिकाल शास्त्र जो आपको अच्छी नौकरी, आपको व्यापार में उन्नति प्रदान करेगा, जीवन की सारी बाधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। और आपके बच्चों को किस क्षेत्र में जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, उनको कैसे कामयाबी मिलेगी, सरकारी नौकरी के लिए क्या करना है, व्यापार के लिए क्या करना है, ये पूरा मार्गदर्शन इसमें प्राप्त है। उसमें आपको तीन उपाय दिए जाएंगे जो मेरे हाथों से लिखे हुए होंगे, वो आपको अवश्य करने हैं। दर्शकों, यदि घर में आपके किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, आपको किसी चीज़ का साया दिखाई देता है, आप घबरा जाते हैं, रात को ढंग से नींद नहीं आती, घर में डर लगता है, या आपके घर में बहुत कला कलेश, अशांति, कर्ज का योग है, घर में बरकत होती नहीं, पैसा सारा बीमारी पर जाता है, घर में कोई वास्तु दोष है, तो आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको सिद्ध लाल वटका तेल प्राप्त करना है। दर्शकों, यही ओरिजिनल लाल वटका तेल है जो जिसे हम लालवट नवग्रह तेल बोलते हैं। इसको नवग्रहों की औषधियों से और रुद्राक्ष से इसका निर्माण किया गया। इसका एक दीपक सुबह एक दीपक शाम को घर के पश्चिम दिशा में लगाएं, घर की सारी गंदी ऊर्जा काली छाया
है आपके घर से बाहर निकल जाएगी। बड़ा अद्भुत तेल है, अपनी फैक्ट्री दुकान में भी इसको जला के अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। आपकी फैक्ट्री में लेबर नहीं टिकती, लोग चोरियां करते हैं, मशीनें जल्दी खराब हो जाती हैं, बिजली के उपकरण जल्दी खराब हो जाते हैं, मतलब नकारात्मक ऊर्जा है। तो उसको दूर करने के लिए आप इस तेल का दीपक जलाएं, इससे आपका व्यापार बढ़ेगा, व्यापार सुरक्षित रहेगा। आओ दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से बेटा नाम बताओ। अनामिका बच्छाल नाम है। अनामिका बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा अभी? छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर से। थोड़ा बेटा ऊंचा बोलिए। छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर शहर से। बेटा कार्यक्रम कब से देखते हो? हेलो बेटा कार्यक्रम कब से देखते हो? बेटा कार्यक्रम 3 महीने से देख रही हूँ आचार्य जी, और एक धन्यवाद के लिए मैंने आप देना चाहती थी मैं आपको धन्यवाद। आपने मन्नत बेटा किस चीज़ के लिए धन्यवाद करना चाहते हो, बोलिए बेटा। जी तो मेरा मन्नत पूरा हो गया आचार्य जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मन्नत पूरा हुआ बेटा आपका? मेरे पति के मैनेजर बनने के लिए मैंने मन्नत रखा था आचार्य जी। चलो बेटा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, और आपका जीवन बेटा आगे आगे बढ़े और जीवन में सुख समृद्धि मिले और आपके पति और तरक्की करें। अभी बेटा किसके लिए जानना चाहते हो बेटा? मैं अपने लिए जानना चाह रही हूँ। अपना पूरा नाम बताओ बेटा। अनामिका बच्छाल। पति का नाम क्या है बेटा? नरेंद्र बच्छाल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए अनामिका जी। 27। अपने जन्म का वर्ष बताएं। 27 वर्ष। अपनी माता जी का नाम बताएं बेटा। श्रीमती कुंती देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। सतगुरु श्री कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण श्री कृष्ण सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्ण। आप तो अनामिका जी बेटा पढ़े लिखे हो बेटा, और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी और सरकारी नौकरी का भी योग बनता है बेटा। कुछ शिक्षा के क्षेत्र में आगे या कोई आगे नौकरी के बारे में कुछ करना चाहते हो? जी जी नौकरी के लिए ही पूछ रही थी। तो आपको बेटा शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में ही आपको बेटा नाम यश और जीवन में सुख मिलेगा और धन मिलेगा। इसके लिए बेटा आपको करना क्या है, एक तो बेटा रोजाना सूर्य देवता को जल दिया करो। इसके अलावा बेटा आपको अपने गले में एक मुखी रुद्राक्ष और 6 मुखी रुद्राक्ष और साथ में एक पीला पीतांबरी पुखराज रतन, ये आपको बेटा अवश्य धारण करना है। घर के पूजा के स्थान पे बेटा एक पीतल के नए कलश में चने की दाल भर के उसके ऊपर पीतल का ढक्कन रखना है, और उस कलश के ऊपर अपने हाथ से हल्दी से गुरुवार को सूर्योदय काल में आपने स्वास्तिक बनाना है। और एक मंत्र दे रहा हूँ बेटा, ओम प्रीम पीताम्बराय नमः। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ, यह मंत्र है ओम प्रीम पीताम्बराय नमः। इस मंत्र का बेटा आपने 108 बार पाठ करना है, और बेटा थोड़ा गुड़ से मुँह मीठा करना है। हर गुरुवार को बेटा या रोजाना 2 रोटी पर बेटा थोड़ा गुड़ और थोड़ी चने की दाल रखकर अपने हाथ से बेटा गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत अच्छी बेटा नौकरी का योग बनेगा। आपका बेटा थोड़ा राहु खराब है, आगे चल के थोड़ा माइग्रेन, नसों की बीमारियां, नेत्र कष्ट, एलर्जी और थोड़ा बेटा पीठ कमर टांगों में भी दिक्कत आने के योग बनते हैं। थोड़ा बेटा इसमें राहु केतु की शांति पूजा पाठ के द्वारा करवाएं, उसकी विधि मेरे आचार्य जी बेटा आपको बता देंगे।
काले नीले कपड़े बेटा बिल्कुल मत पहना करो। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो। जूठे बर्तन, बचा हुआ गीला आटा नहीं छोड़ना। जो आटा रात को बच जाता है उसकी रोटी बना के रखो, और जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। ससुराल पक्ष का बता दो। ससुराल का बेटा जी, बघेल जी। अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहिए, हमारे इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय दिया जाएगा बड़े प्रेम से। बेटा तीन बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत चल रही है, घर में बीमारियां आपकी निकलती नहीं है, आपके बच्चों को परिवार को खाया पिया हजम नहीं होता, पेट की जठर अग्नि बिगड़ गई है, जो भी खाते हैं कितना भी कुछ खा लें फिर भी शरीर में सेहत नहीं बनती, मोटापा बढ़ता जा रहा है, पीठ कमर टांगों में बुजुर्गों को दिक्कत रहती है, नसें ब्लॉक है, घुटनों में दिक्कत है, तो आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको सिद्ध संजीवनी किट प्राप्त करनी है। दर्शकों, ये सिद्ध संजीवनी किट आपको 51 से अधिक प्रकार के रोगों से निजात देगी, पेट की जठर अग्नि को इतना मजबूत कर देगी कि सूखी रोटी खाओ उससे भी आपकी सेहत बनेगी। देखना, इससे एक्स्ट्रा फैट कम होता है, 4 से 5 किलो वजन भी कम कर सकते हैं महीने में, और नसें खुलती हैं, हार्ट अटैक की संभावना कम रहती है, पैरालाइज की संभावना कम रहती है, घुटनों पैरों में दर्द चला जाता है, डायबिटीज भी कंट्रोल में रहती है। इसके साथ में आपको दर्शकों गुरुजल भी लेना है। ये गुरुजल आपकी पूरी बॉडी की क्लीनिंग करता है, अंदर जितने भी टॉक्सिन हैं, जितने भी विषैले तत्व हैं, जितनी भी बॉडी में गंदगी अंदर चिपकी हुई है वो सब निकल जाती है, कॉन्स्टिपेशन, गैस, पेट की प्रॉब्लम सब ठीक हो जाती है। इसका सेवन करना है, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है, जिससे आप स्वस्थ रहते हैं। तो दर्शकों आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, कॉल लेते हैं। हरिओम। हेलो बेटा, आवाज आ रही है आपको? जी सर, गुरुजी नमस्कार जी। बेटा जल्दी से नाम बताइए अपना। मेरा नाम सतीश शर्मा जी। सतीश बेटा अभी कहां से बात कर रहे हो? मैं सर फिरोजपुर से बोल रहा हूँ। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। मेरी उम्र है 72 जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 32। अपनी माताजी का नाम बताओ। शांति देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम विश्वाय नमः, ओम विश्वाय नमः, ओम विश्वाय नमः। बेटा फोन पर बने रहना। सतीश जी ये वर्ष बेटा आपके लिए बहुत अच्छा है बेटा, धन बढ़ेगा और थोड़ा सा बेटा अपने पुत्र को लेकर चिंतित रहोगे बेटा। कुछ बेटा, एक बेटा भी है आपका बेटा? मेरे 4 बेटे हैं जी। मैं एक बेटे के बारे में गुरुजी पूछ रहा था। बेटे का नाम क्या है बेटा? सुमित शर्मा। कितने वर्ष का है आपका बेटा? 17/6/1982 का बर्थ है जी। जी बेटा 1982 का। 4:30 बजे, 6 बजे। ठीक है बेटा। बच्चे को बेटा घर में किस नाम से बुलाते हो आप? साजन के नाम से। क्या जानना चाहते हो बेटा बेटे के लिए? ये तो उसका जीवन के बारे में देख रहा है कि उसका जीवन बहुत क्रिटिकल है, क्यों है? बच्चे की माँ का नाम बताओ बेटा। ललिता शर्मा। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना।
बेटा आपका जो बच्चा बेटा इसको जन्म लगन में बेटा पितृ दोष और बेटा इसको जन्म से ही जातक ऋण लगा हुआ है, जिसके कारण बेटा शारीरिक मानसिक स्थिति बेटा जीवन में परिवार का सुख धन के योग और कर्म का फल बेटा इसका प्रभावित हो रहा है। जन्म लगन सुख सप्तम भाव और दशम भाव पर सीधा बेटा इस बच्चे को पितृदोष का प्रभाव है और सूर्य अति पीड़ित अवस्था में है। सूर्य जब पीड़ित हो जाता है तो जब तक ऐसे व्यक्ति का पिता जीवित रहता है वो अपने उस बच्चे को लेकर चिंतित रहता है जिसका सूर्य पीड़ित रहता है। तो इस बच्चे को बेटा पितृदोष का निवारण करें जिससे इसकी शारीरिक मानसिक और पारिवारिक स्थिति बेटा अच्छी हो, ये जीवन में बेटा सुख की प्राप्ति करे। और सबसे बड़ी बात बेटा आपको बता दूं, आपके परिवार में बेटा सबसे बड़ी समस्या ही बेटा पितरों की है। पितरों के लिए बेटा आपने क्या विशेष उपाय किए बेटा? आज तक कोई पितरों की विशेष शांति नहीं करवाई आपने? करवाई है जी। नहीं बेटा, पितर बेटा आपके बेटा पितर दिखाई देते हैं, और एक नहीं बेटा ये दो पितर हैं बेटा। एक पितर तो ऐसा है बेटा आपके पूर्वजों में जिसकी संतान नहीं हुई बेटा, इसको बेटा एक किस्म की हम प्रेत बाधा भी बोलते हैं। जब पितर काफी प्राचीन हो जाते हैं तो ये प्रेत का रूप धारण करके ये उस व्यक्ति को पकड़ते हैं, संतान को, जिसका सूर्य यदि पीड़ित होगा, क्योंकि सूर्य पितृ तुल्य ग्रह है तो सूर्य बच्चे का पीड़ित है। इसलिए चारों में से सबसे ज्यादा स्थिति इस बच्चे को ज्यादा परेशान करेगी और पितरों का आपको विसर्जन करवाना चाहिए। इसके लिए बेटा 125,000 गायत्री मंत्र का आपको परिवार में इस बच्चे के लिए पाठ करवाना चाहिए। और इसका एक ही सबसे बढ़िया उपाय आपके बच्चे के लिए कि बोध गया में जाकर इसको बेटा सोमवती अमावस्या पे इस बच्चे की यदि पूर्ण रूप से पितृ शांति और प्रेत बाधा विसर्जन और तर्पण किया जाए तो इस बच्चे को जीवन में शारीरिक सुख, परिवार का सुख और जीवन में परिवार का सुख और धन के योग बेटा इसको प्राप्त होंगे। नहीं तो बेटा जीवन इसका व्यर्थ हो जाएगा और जीवन में बेटा सब कुछ होने के बावजूद भी ये बच्चा जीवन में कुछ भी सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक इसको बेटा 5.25 रत्ती का रूबी रतन धारण करवाना है और दूसरा बेटा थोड़ी अपराजिता की भस्म प्राप्त कर लेना। उस अपराजिता की भस्म का 41 दिन तक इस बच्चे ने माथे पर तिलक लगाना है। एक बेटा आने वाले शनिवार को बच्चे के वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज, बच्चे के वजन के बराबर बेटा आपको गौशाला में या किसी बेटा शनिवार को किसी डाकोत को अवश्य दान करवाना है। हाथों में सोना बिल्कुल नहीं पहनना। घर के पश्चिम दिशा में संध्या काल में सरसों के तेल का बेटा दीपक अवश्य जलाया करो और इससे बेटा आपके बच्चे को लाभ प्राप्त होगा। और बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको अभी बेटा एक गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है। दर्शकों को थोड़ा समय की कमी है, यहाँ पर समय समाप्त हो रहा है और आगे हम कॉल को नहीं ले पा रहे हैं। तो आपकी कॉल यदि इस कार्यक्रम में नहीं लग पाई है तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप कार्यक्रम के उपरांत भी हमें इस कार्यक्रम से आप अपना लाभ ले सकते हैं। आज दर्शकों मैं आपको चंद्रमा की जानकारी दे रहा हूँ कि धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज थोड़ा सा सावधानी बरतें क्योंकि गुरु की राशि में चंद्रमा है। आज आपको बिल्कुल सात्विक भोजन खाना है। बृहस्पति के घर में जब चंद्रमा बैठ जाता है तो यदि आप आज सात्विक रहेंगे तो आज का दिन आपके लिए बड़ा मंगलकारी, बड़ा सुखद होगा। आज मंदिर में जाके थोड़े केले और थोड़ी चने की दाल दान करें, इससे रुका हुआ पैसा आएगा, व्यापार बढ़ेगा, घर में शांति होगी। आज आप पीली चीजों का सेवन करें जैसा कि बेसन का हलवा, बेसन की मिठाई, घर में चने की दाल बना के खाएं, जिससे आज का दिन जो काम सोचेंगे वो काम पूरी हो जाएंगे। और यदि कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज का दिन आप वो काम कर सकते हैं। दर्शकों आज के लिए इतना ही। कल इसी समय हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे, आपकी समस्याओं का पूर्ण समाधान होगा। तब तक बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए हरिओम हरिओम हरिओम, ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, जय मां बगलामुखी देवी माता की। जीवन में धन, सुख, सफलता, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और स्वस्थ जीवन प्राप्त करने की एक ही है चाबी, त्रिकाल शास्त्र। प्रिय दर्शकों यदि आपको भी अपने जीवन के बारे में, अपने आने वाले वर्ष के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी चाहिए, अपने अंकों के हिसाब से, नंबरोलॉजी के हिसाब से अपना भविष्य जानना है और लाल किताब के हिसाब से अपना भविष्य जानना है तो आज ही आप प्रभु दरबार फाउंडेशन से त्रिकाल शास्त्र तुरंत प्राप्त करें और अपने आने वाले वर्ष को बहुत ही उज्ज्वल बनाएं,
समृद्ध बनाएं, कामयाब बनाएं और दरिद्रता दुर्भाग्य बीमारियों से मुक्ति पाएं। ये बड़ा ही दुर्लभ शास्त्र है, इसमें आपको तीन ही उपाय मुख्य दिए जाएंगे और साथ में पशुपति अस्त्र भी आपको इसमें प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2021 को सुनहरा बनाएं एवं अपने जीवन से जुड़े सभी रहस्य जानिए। अभी त्रिकाल शास्त्र मंगवाएं। त्रिकाल शास्त्र के मात्र तीन उपायों से ही अपने जीवन को बदलें। संपर्क करें 9718689689, वेबसाइट www.prabhudarbar.com। प्रभु दरबार फाउंडेशन, ICICI बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 6639056005012, ब्रांच पश्चिम विहार दिल्ली, IFSC कोड ICIC00066 39, MICR कोड 11022918 6।